नमस्कार, मैं नियाज खान। मध्य प्रदेश में साल 2023 के अंत तक चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी अभी से तैयारियां कर रही हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई फैसले भी लिए गए हैं, क्योंकि बीजेपी किसी भी तरह की कोई गलती चुनाव में नहीं करना चाहती है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अब सीएम शिवराज से आगे की सोच रही है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की चर्चा भी तेज है। कहा जा रहा है कि उनका नाम सीएम पद के रूप में बार बार सामने आ रहा है। वहीं अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी एंट्री मार ली है और सिंधिया के मध्य प्रदेश के सीएम बनने को लेकर बयान दिया है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर मोर्चे पर फेल हो गए हैं, इसलिए उन्हें हटाना बीजेपी की मजबूरी हो गई है। साल 2018 में ही जिस चेहरे को जनता ने नकार दिया, उसे फिर 2023 में कैसे जनता के बीच ले जाएं, इस बात को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के अलावा भी कई नाम है। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद इस बार मुख्यमंत्री कमलनाथ ही बनेंगे। अब जब कांग्रेस भी ये कहने लगे कि सिंधिया को अगले चुनाव में चेहरा बनाया जा सकता है, तो ये बड़ी बात है। साथ ही सिंधिया को भविष्य में मध्य प्रदेश की कमान सौंपकर एक तीर से कई निशाने भी बीजेपी एक साथ साध सकती है, क्योंकि जब 2018 में यहां चुनाव हुए थे तब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उस वक्त कांग्रेस में रहने वाले सिंधिया को इसी बात की नाराजगी थी कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया और उनके करीबियों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली, जिसके बाद सिंधिया ने अपना पाला बदला और बीजेपी में शामिल हो गए। कमलनाथ की सरकार गिर गई, बीजेपी ने सरकार बनाई और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस तोड़कर बीजेपी में आए सिंधिया को मोदी कैबिनेट से बुलावा आया और उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से उनको राज्य में भेजने की तैयारी है और सीएम बनने की दौड़ में उनका नाम शामिल है। फिलहाल देखना होगा कि 230 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में चुनाव में कौन बाजी मारता है और किसकी किस्मत खुलती है।